दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय बिलबिली कॉमिक्स। वॉच द वीडियो फॉर मोर डिटेल्स। पार्ट 17 में हम देख चुके हैं चैंगसी क्रिस को किडनैप करने आ जाता है। आगे हम देखेंगे पार्ट इनसे पहले पार्ट 17 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 18 में हम देखते हैं चैंग से क्रिस को कार में डाल के ले जा रहा था। क्रिस पूछता है, कौन हो तुम और मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वो कुछ नहीं बोलता तो कहता है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें पता नहीं है मैं बच्चा हूँ। बच्चों को बच्चों वाली सीट पे होना चाहिए, वरना पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी खूब बैंड बजेगी। चैंग से वास लाइक, क्या बकवास कर रहा है। क्रिस कहता है, अरे 5 बज गए, मुझे 6 बजे डिनर भी करना है, रोज सही टाइम पे खाना खाना है, तभी तो मैं जल्दी बड़ा होऊंगा। वो कहता है, तू अपना मुंह बंद कर। क्रिस कहता है, ओके, पर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बर्गर खाएंगे, समोसे, वहाँ मम्मी नहीं होगी ना तो मैं बहुत सारा बर्गर खा सकता हूँ। चलो चलो जल्दी चलो। इधर गुयान सूबे से बिजनेस में हेल्प मांगता है तो वो हाँ कर देती है। चैंग से क्रिस को खाना लाकर देता है तो क्रिस कहता है, तुमने चिकन क्यों लाके दिया, मैं स्पाइसी नहीं खा सकता। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता क्या? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? इधर देखो, मेरी बात सुनो, भले ही मैं बच्चा हूँ पर तुम बड़े लोग थोड़ी तमीज नहीं दिखा सकते क्या? क्रिस से तंग आकर चैंग से मिस्टर लू को फोन करता है और कहता है, तेरा बेटा मेरे पास है। मिस्टर लू फोन काट के कहता है, पता नहीं कौन बेवड़ा है। चैंग से गुस्से से फिर से फोन करता है। मिस्टर लू फिर फोन उठाता है, वो कहता है, अबे मैं सीरियस हूँ, तेरा बेटा मेरे। मिस्टर लू फिर से फोन काट कर कहता है, लगता है मेंटल हॉस्पिटल से होगा। चैंग से बस लाइक, किडनैपर्स की तो कोई इज्जत ही नहीं है आजकल। मिस्टर लू को बार बार कॉल आने लगा था तो वो फोन काट कर उस नंबर को ब्लॉक कर देता है और अपने काम पे लग जाता है। चैंगसी का तो पोपटी हो गया था। क्रिस कहता है, मैंने कहा था ना ऐसे बात नहीं बनने वाली, अच्छा होगा चुपचाप मुझे मेरे घर छोड़ाओ, मैं यहाँ पे सही से खा नहीं पा रहा हूँ और सो भी नहीं पाऊंगा, कोई गेम भी नहीं है खेलने के लिए, और तो और कोई फ्रेंड भी नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए। चैंगसी उसे घूरता है तो क्रिस कहता है, ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? इधर गुयान को फोन आता है कि तुम्हारा भाई भाग गया है, तो वो सूबे को बताता है कि जब पुलिस चैंगसे को पकड़ने आई थी तो वो बच के भाग निकला था, इसलिए तुम केयरफुल रहना। वो बहुत गुस्से में है। चैंगसे ने क्रिस को चेयर से बांध दिया था तो क्रिस कहता है, मुझे किडनैप करके तुम्हें चमन्नी भी नहीं मिलेगी, ऊपर से जेल भी जाना पड़ेगा। क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि बुरे काम करने पे जेल जाना पड़ता है? पुलिस भी मार मार के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगी और फिर चमड़ी सिलने वाला भी नहीं कोई होगा। चैंगसे गुस्से से उसके मुंह में चिकन ठूस देता है और सूबे को कॉल कर कहता है, फोन मत काटना, बात सुन मेरी, तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, अगर वो जिंदा चाहिए जल्दी उस मिस्टर लू को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचो, और अगर पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो ये छोटू तो गया काम से। और फोन काट देता है जबकि सूबे चिल्ला रही थी कि कौन हो तुम, मेरे बेटे को कुछ मत करना, और जल्दी से यतिन को कॉल करके पूछती है, क्या क्रिस तेरे पास है? यतिन मना करती है तो सूबे पागलों की तरह मिस्टर लू का नंबर ढूंढने लगी थी, बट उससे फोन नहीं हो रहा था तो गुयान अपने फोन से मिस्टर लू को फोन करके उसे दे देता है। मिस्टर लू फोन उठाता है और सूबे की आवाज सुन पूछता है, कहाँ हो तुम और तुम गुयान का फोन क्यों यूज कर रही हो? वो कहती है, मिस्टर लू जल्दी से कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचो अभी की अभी, और गुयान को बताती है कि क्रिस का किडनैप हो गया। वो कहता है, जरूर चैंग से नहीं किया होगा, बट सूबे भाग जाती है तो वो स्माइल करता है। इधर मिस्टर लू कंफ्यूजन में था पर तब भी उठ के भागता है। वो दोनों अपनी अपनी कार से कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचते हैं। मिस्टर लू पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, चैंगसे ने क्रिस को किडनैप कर लिया। तो वो दोनों क्रिस का नाम चिल्लाकर उसे ढूंढने लगते हैं। एक मास्क वाला क्रिस को बाहर लेके आता है जबकि क्रिस रो रहा था और कहता है, मम्मी डैडी प्लीज मुझे बचा लो। सूबे कहती है, रो मत बेटा, मम्मी यहीं पे हैं। वो दोनों आगे बढ़ने लगे थे बट मास्कमैन कहता है, पीछे हटो वरना तुम्हारा बच्चा गया काम से। वो रुक जाते हैं तो वो क्रिस को वापस से रूम में लॉक कर देता है। फ्रेंड्स, आज हम जिस कॉमिक के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है डिड यू रिजेक्ट मिस्टर लू टुडे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी है। और बिलबिली कॉमिक्स ऐप को डाउनलोड करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। सूबे कहती है, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दे सकती हूँ, पैसे चाहिए ना तुम्हें? वो कहता है,
हाँ पैसे तो चाहिए, पर मुझे आज पैसे नहीं चाहिए। ओ मिस्टर लू, तेरा बेटा मेरे हाथों में है तो तेरी फट गई ना, डर के मारे हवा भी संट हो रही है। मिस्टर लू हैरानी से सूबे की तरफ देखता है। वो उसका हाथ टच कर कहती है, मैं तुम्हें बताने वाली थी, बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है, पहले क्रिस को बचा लें फिर बात करेंगे, बता तुझे क्या चाहिए। मास्कमैन कहता है, मुझे चाहिए, लगता नहीं है कि वो तो दे पाएगा। मिस्टर लू कहता है, अपने बेटे को बचाने के लिए मैं अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। मास्कमैन वाज लाइक, ओ मर्द बन रहा है, चल जल्दी से घुटने के बल बैठ। सुबह ही मिस्टर लू को मना कर रही थी बट वो बहुत टेंशन में भी थी। मिस्टर लू घुटने के बल बैठ जाता है, वो कहता है अब अपने थपड़ा लगा। तो मिस्टर लू जोर से अपने मुंह पे थपड़ा लगा कर कहता है, अब तो सेटिस्फाई है ना तू। वो कहता है, नहीं मैं तेरी वीडियो बनाऊंगा, तो खुद के थपड़े पे थपड़ा मारता जा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता। सुबह उसे मना करती है बट मिस्टर लू बार बार खुद के थपड़ा मार रहा था। मास्कमैन वीडियो बनाता हुआ कहता है, जब सब देखेंगे हॉन्जन का सीईओ कायरो की तरह खुद को मार रहा है तो तेरी तो धज्जियां उड़ जाएगी, मैंने कहा था ना मुझसे पंगा मत लेना। सुबह रोते हुए मिस्टर लू को रोके जा रही थी बट वो खुद को थपड़ा मारने से रोक ही नहीं रहा था। मास्कमैन कहता है, ओके मजा आ गया, तो अब जब तुझे गुस्सा है तो आज की बात याद कर लेना कि कैसे तेरी बेइज्जती हुई थी, जा तेरा छोटू अंदर है ले ले। सुबह मिस्टर लू को पकड़ के उठाती है पर तभी पुलिस कार की आवाज सुन मास्कमैन जाके क्रिस को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पे चाकू रख लेता है। वो कहती है, प्लीज उसे कुछ मत करना, क्रिस मम्मी बोलकर रोए जा रहा था। मास्कमैन कहता है, पुलिस को भगा वरना मैं इसे मार दूंगा। मिस्टर लू कहता है, काम डाउन, मैं अभी पुलिस को जाने को कहता हूँ, क्रिस को छोड़ दे। तभी गुया नाकर चेंगसे को पकड़ लेता है। सुबह क्रिस के पास भागती है, चेंगसे क्रिस के चाकू मारने वाला था पर गुयान क्रिस को पकड़ लेता है जिससे चाकू उसके हाथ पे लग जाता है। मिस्टर लू चेंगसे को मार मार कर भरता बना डालता है और पूछता है, तूने बार बार मुझसे पंगा लिया, मैंने छोड़ दिया, पर मेरे बेटे को टच भी मत कर लेना। सुबह क्रिस की रस्सी खोलकर उसे हक्का लेती है जबकि वो रोए जा रहा था तो उसे छुपाती है। मिस्टर लू गुयान से पूछता है, तूने पुलिस बुलाई थी? वो कहता है, हाँ क्योंकि पुलिस को बुलाना सही फैसला था। बट मिस्टर लू फिर भी उसे गुस्से से देखता है। नेक्स्ट सीन में सुबह क्रिस को सुला के जाने लगी थी। वो कहता है, मॉमी क्या आज तू मेरे साथ नहीं रहोगी? वो कहती है, हाँ क्रिस मॉमी कहीं नहीं जा रही। क्रिस कहता है, मॉमी अब मैं फौरन वापस चला जाऊंगा। वो पूछती है, क्यों तुम तो यही रहना चाहते थे ना? वो कहता है, क्योंकि यहाँ हमारा घर नहीं है, डैडी भी मुझे बिल्कुल लव नहीं करते। सुबह कहती है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम डैडी तुम्हें लव क्यों नहीं करते? वो कहता है, मॉमी क्योंकि डैडी ने मुझे बचाया नहीं था, वो मुझे लव नहीं करते। वो कहती है, सॉरी क्रिस इसमें मॉमी की गलती है, मैंने डैडी को बताया नहीं था कि तुम हमारे बेटे हो, तो तुम मॉमी को माफ कर दोगे ना? वो कहता है, डैडी क्रिस से इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो कहती है, डैडी तुमसे बहुत लव करते हैं, वो तुम्हें नफरत कैसे कर सकते हैं? मॉमी डैडी तुमसे प्रॉमिस करते हैं हम फ्यूचर में तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करेंगे, ओके? क्रिस कहता है, मुझे बस अपनी मॉमी चाहिए, और उसे अकड़ लेता है। तो सुबह क्रिस को सुला देती है और गुड नाइट किस देकर चली जाती है। मिस्टर लू क्रिस का सुपरमैन लेकर बैठा था, वही जिसकी उसने टांग तोड़ी थी। सुबह भी आ जाती है, वो पूछता है, क्या वो सो गया? वो हाँ करती है। मिस्टर लू कहता है, मुझे नहीं पता था, वरना मैं उससे प्यार से पेश आता, क्या मैं बुरा डैडी हूँ? वो कहती है, नहीं तुम अच्छे डैडी बनोगे। वो कहता है, पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहती है, जब मुझे 6 साल पहले पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब मैंने तुम्हें कॉल किया था, पर लूफियर ने उठाया था, उसने कहा तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, मुझे नहीं पता था तुम कोमा में हो, मैं हार्ट ब्रोकन थी और अपना बेबी भी खोने वाली थी, इसलिए फिर मैंने तुमसे कभी बात नहीं की। वो कहता है, तुम तब बता सकती थी जब तुम वापस आई थी, क्रिस का डैडी होने के नाते मुझे इतना जानने का हक है। वो कहती है, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम क्रिस को मुझसे छीन लोगे, इस दुनिया में रहने का मेरे पास सिर्फ एक ही रीजन है, क्रिस, मैं उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा सेल्फिश बन रही थी, सिर्फ अपने बारे में सोचा, और मेरा और बेबी का क्या, उसे डैडी की जरूरत है और मुझे जो एक डैडी को करना चाहिए। वो कहती है, मैं बताना चाहती थी पर मैं कंफ्यूज थी और मुझे डर भी था कि तुम मुझे इग्नोर करोगे। वो पूछता है, क्या तुमने मेरे लव को इतना कम समझ रखा है? वो सॉरी बोलती है तो मिस्टर लू से हक कर कहता है, स्टूपिड मैं तुम्हारे सॉरी नहीं मांग रहा था,
रात में वो क्रिस के रूम में आता है। जब वो सो रहा था तो उसको सुपरमैन क्रिस के पास रख देता है और जाने लगा था। बट फिर क्रिस के साथ सेल्फी लेने लगता है और बड़ा खुश हो रहा था। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दी हुई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मजे लीजिए। थैंक यू बिलबिली कॉमिक फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो।